नमस्कार दोस्तों, द ट्रैवलिंग एडवेंचर चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट संजय मोहन। आज मैं आपको लेके जाने वाला हूं एक बहुत ही खूबसूरत पिकनिक स्पॉट पे। हमने अभी जस्ट होटल 17 माइल के साथ से टर्न लिया है और ये जो स्पॉट है ये मेन रोड से 2 से 3 किलोमीटर आपको अंदर जाके है। बिल्कुल एक शांत और शांत इलाका है और बिल्कुल सेपरेट है, कोई शोर शराबा नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए और एक कमेंट जरूर कीजिए। आपका एक कमेंट, चाहे वो अच्छा है बुरा है, हमें शक्ति देता है कि हम अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आपके सामने पेश कर सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस जगह पे आए हैं, इस खूबसूरत जगह का नाम है बुजुर्गां दा बेड़ा। ये जगह जम्मू से लगभग 26 से 27 किलोमीटर डिस्टेंस में लोकेटेड है और ये विजयपुर के सलमैरी गांव में है। यहाँ पे इनका ओपन एयर रेस्टोरेंट भी है, जहाँ पे आप काफ़ी सस्ते रेट में आपको खाने पीने का सामान, जब आप फैमिली के साथ एंजॉय करने आते हैं, आपको अवेलेबल हो जाएगा। और ये जगह काफ़ी ओपन स्पेस इनके पास काफ़ी है और इन्होंने बीच में आपके एंजॉयमेंट के लिए गेम्स, जैसे ये गुब्बारे को निशाना लगाने वाली गेम है, और यहाँ पे काफ़ी लोग निशानेबाजी भी कर रहे थे। और ये एक अलग किस्म का अपना एंजॉयमेंट है। और इसके ये देखिए साथ में कैरम बोर्ड रखा है, मतलब कैरम बोर्ड के साथ ही आगे देखिए एक, मेरे को जो सबसे अच्छा लगा इनका, ये देखिए इन्होंने जो ग्लासेस लगा के जो बाल से निशाना लगाते हैं, वो गेम भी रखी हुई है। और बच्चों के लिए काफ़ी अट्रैक्शन है ये, मतलब आपको, आप जाएंगे तो आप यहाँ से किसी भी एज का जो होगा, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा, वो जाके इधर एंजॉय करेगा। और यहाँ पे काफ़ी कुछ एग्जीबिशन वगैरह भी इन्होंने लगा रखी थी, जो मैं, ये देखिए इन्होंने छोटी, मतलब छोटी दुकानें भी लगा रखी हैं। और ये देखिए साथ में गोलगप्पे का स्टॉल लगा हुआ है और ये देखिए बैम्बू हट टाइप इन्होंने बना रखी है। और ये जो पुराने जो कल्चर है हमारा, जैसे ये कंचे खेलने वाला कल्चर है, और ये सब काफ़ी कुछ इन्होंने इधर डिस्प्ले किया हुआ है। ये देखिए लेडीज किकली डालती हुई, जो हमारा पुराना कल्चर था वो सब इन्होंने इधर डिस्प्ले किया हुआ है। और ये जो भी इन्होंने किया है यहाँ पे, जो कंस्ट्रक्शन ने की, जो भी बनाया हुआ है लकड़ी के द्वारा बनाया गया। और ये देखिए आर्टिफिशियल कुआं बना हुआ है और कुएं में से ये फुहारा चल रहा है। और इसके आप साथ में देखिए जो लेडीज जो पहले कुएं में पानी भरने जाती थी, वो भी इन्होंने पूरा डिपिक्ट किया हुआ है इसके ऊपर। और ये देखिए साथ में ये रसोई, जहाँ पे हमारा पुराने तरीके से जब हम खाना हमारा बनता था, लोगों का रहन सहन जब ऐसा था, तो ये पूरा इन्होंने इसको डिस्प्ले किया हुआ है। और दोस्तों ये देखिए, ये पुराना जैसे हमारा एंटीना हुआ करता था और एंटीने में बच्चों की पतंगें वगैरह फंसती थी, तो ये सारा इन्होंने ऊपर छत के ऊपर दिखाया हुआ है।
दोस्तों इन्होंने अलग से एक फैमिली रेस्टोरेंट भी बना रखा है, और जो जिसका नाम है बैम्बू बिनरी फैमिली रेस्टोरेंट। और इसका जो मेरे को टेक्सचर इतना अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे तो रेस्टोरेंट में हम काफ़ी घूमते हैं, मगर जो इसका वुड टेक्सचर या और बैम्बू टेक्सचर है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। वो देखिए आप। और यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज वगैरह भी आ रखी थी जो अपनी मस्ती में नाच गा रहे थे, तो काफ़ी अच्छा माहौल था इधर और हमें जाके काफ़ी मज़ा आया।